मूड अपसेट वैसे ही रहता है मेरा, कभी कभी मेरा मूड अपसेट हो ही जाता है किसी न किसी बात को लेके। आज भी हो ही गया है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तारीख 25, यस कल है 26। कल की मेरी टिकट है, पहले मेरी टिकट 25 की थी, अब मेरी 26 की है। उसका जो भी रीज़न हो वो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, वो छोड़। फिर आप बाहर जाओ नानू के पास चलो जाओ, कार खोल दी उन्होंने। तो गाइज मम्मी ने कहा कि इनको जाने से पहले ना एक और बार मंचूरियन वगैरह खिला लाओ, जो इन्हें पसंद है वो इनको खिला लाओ। तो गाइज हम लोग फिर से रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आज का डिनर भी हम घर में नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा वेट ना अभी 4-5 दिनों में ना लग रहा है 2-3 किलो और बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ ये जो चटपटा खाना हम बाहर का खा रहे हैं ना उससे। और गाइज मैंने मेरे पास ना मेरे सारे कपड़े मैंने ट्रॉली में पैक कर दिए, यही कुर्ता मेरे पास ऊपर था तो मैंने डाल लिया है। हम जा रहे हैं, हम किसी के हल्दी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो फिर लो हेलो है, कर लो आपको जो करना है, ऐसे ऐसे तो कर दिया आपने। हाय अब मैं क्लिप कट करूँगा, मुझे नहीं रखनी तुम्हारी ये। हाय हाँ आगे लाइन पे नहीं बाय नानू से भी हेलो है कर लीजिए, हेलो मेरे तो डैडी हैं। चलो एडी खाकर आएंगे गोभी मंचूरियन। ओहो वाकई में मुझे वो जो रेस्टोरेंट था ना उस दिन, जो अभी 2-4 दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, कृष्णा समथिंग था, क्या था रेडी वो कृष्णा लीला ग्रैंड, मतलब वहाँ की मंचूरियन मुझे वाकई में बहुत मज़ेदार लगी। मैंने कई जगह की ट्राई की है, इनफैक्ट डाइन स्पॉट की तो मेरे को अच्छी लगती थी, इस साल मुझे पता नहीं अच्छी नहीं लगी, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी लगी। आगे से मैं यही खाया करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यू नो ना आई एम वेरी मच चटोरा। कृष्णा ग्रैंड था वो, कृष्णा लीला नहीं था, कृष्णा अच्छा दूसरा होगा मे बी, डैडी कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये देखो नाटक इसके सब कट कर दूंगा, सब ऐसे ऐसे करके। देखो पार्किंग मिली है पूरा 1 किलोमीटर दूर, जा रही हूँ मैं अंदर, डर लग रहा है कोई फोन छीन के ना भाग जाए। पिछली बार यहाँ बैठे थे, इस बार यहाँ बैठे। आज वड़ा और इडली, आज सांबर वड़ा नहीं खा रहे, आज वड़ा चटनी खा रहे हैं। बाबू चटनी और वड़ा का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? पीछे गाना चल रहा है, कहीं कॉपी राइट ना आ जाए। हम मंचूरी खा रहे हैं। कैसी है मंचूरी? सही है, मेरे को यहाँ के बेस्ट लगती है, क्रिस्पी भी है, नॉर्मल सॉगी बनाते हैं। यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स को भी खिलाओ ना। आप झूठी हो गई, दूसरे टूथपिक से खा रहे हो। नो 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 थैंक यू। और हमारा डोसा भी आ चुका है। अदरक होती है तो गाइज मैंने अपने लिए इडली सांबर वड़ा भी मंगवाया, ये भी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। मैंने अपना इडली सांबर वड़ा एंजॉय किया और इतनी तीखी चटनी थी, बट इसका असली मज़ा तीखी चटनी के साथ ही आता है। फिर बेटू ने कहा नानू मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लेने। मम्मी पता नहीं कहाँ निकल गई, उधर देखो कहीं बात कर रही थी। एक तो ये पूरा दिन कॉल पे कहाँ गई, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही। मम्मी उधर कार के पास, ये वाली आइसक्रीम ले ली गई है, ये छोटी वाली बेटू की है, बड़ी वाली नानी की है, मिडिल वाली मेरी है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है अभी 11, बस ये अभी हन्नू वगैरह करके आए हैं। और आज ना उस एरिया में मम्मी को सांप दिखा, सांप दिखा, और अब हम तब से ढूंढ रहे हैं, हमें कोई सांप ही नहीं दिख रहा है। मम्मी ने काला सांप देखा, काला सांप, हम तब से ढूंढ रहे हैं, हमें सांप नहीं मिल रहा है। काट ना ले कहीं, झाड़ियाँ इतनी हो रही हैं, ऐसा ना हो पता चला ये सांप मेरी टिकट कैंसिल करा दे। हम वैसे ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलो कोई बात नहीं। हम शायद सो रहे थे उस समय,
तो हमने वो चांस मिस कर दिया। इनफैक्ट मम्मी ये बोलती हैं जहाँ सांप होता है ना वहाँ चिड़ियाँ बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ बोलने लगती हैं। तो मम्मी बता रही हम पूजा कर रहे थे ऊपर हन्नु वगैरह करके, तो बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ लगी मुझे, तो उन्होंने इस बैल्कनी में आके देखा तो उनको सांप दिखा काला वाला। फिर वो पूजा करके जब नीचे गई तब उन्होंने डैडी को बताया। अब मुझे तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, सांप होगा अपने बिल में जा चुका है सांप, और आज हम भी जा रहे हैं अपने बिल में, मतलब आई मीन मेरे घर वापस तोमर साहब के पास जा रहे हैं हम फाइनली। अब हम थक चुके हैं, अब हम थक गए इस बैंगलोर से, इस बैंगलोर में रह रहे कि हम थक चुके हैं, अब हमारा भी समय आ गया जाने का। नज़र अभी भी मेरी यहीं सांप ही ढूंढ रही है। तो गाइज मैं ना सीधा वहाँ से, मतलब बाहर जब सांप देखने गई थी ना वहाँ से सीधा चौहान अंकल घर निकल गई थी। वहाँ पे मतलब अंकल कुछ कर रहे थे अपने गार्डन में, वहीं खड़े होकर मैंने उनसे आधा घंटा बात करी, और जब मैं घर आई तो मिर्ची पकौड़ा रेडी था। तब से आवाज़ दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो? ये वाले वही वाले बड़े हैं जो आपको पसंद है, खा लो खा लो। है भाई तब से आवाज़ दे रही, सुन क्यों नहीं रहे थे? और आवाज़ करो टीवी की थोड़ी कम, बताओ। आज तो राजा बेटा बन गया हन्नू करके, राजा बेटा तो वो पहले ही है राजा बेटा, राजा राजा। ये भी खा के देखो, नहीं नहीं ये खाओ और ये भी खाओ। ये खाया कब? खाया जब मैं वहां थी। गाइस मेरा एक मानना है, इंसान रहने के लिए एक कमरा भले ही कम बनाए पर एक स्टोर रूम ज़रूर बनाए। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आप समझ पा रहे हो? सिर्फ रहने के लिए जो कमरे बनाते हैं ना फिर उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। अब इस घर का अच्छा खासा लुक सब बर्बाद कर लिया इन लोगों ने। और गाइस मैं कुछ बोल नहीं रही थी बिकॉज जो पकौड़े वो खाता नहीं है ना बेसन के, वो खा रहा था बैठ के, उसका ध्यान क्योंकि टीवी में लगा हुआ था। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खा लो। आप खाते नहीं हो ना बेसन के, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि आप हाँ एक और खा लो। बब्बू गलत बात है, बब्बू पेट भर जाएगा, खा लो खा लो, इतनी मेहनत से बनाया नानी ने। गाइस मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट किया है 12 बजे लगभग, और मुझे ना इनफैक्ट खाने के बाद ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे मेरी तबीयत खराब है। तो गाइस देखिए मम्मी ने कितना कुछ बना दिया है मेरे लिए, 2 टाइप की कचौड़ी और राइस और पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाया था। ठीक और इसमें पेड़े ठीक, इसमें क्या है अभी देख रहे हैं उसमें। इसमें पूड़ियाँ हैं और कुछ ठीक दाल बड़े टाइप है इसमें। तो गाइस मम्मी ने बहुत कुछ बनाया था, इनफैक्ट टिफ़िन कम पड़ जाते हैं इतना कुछ बनाती हैं मम्मी। कभी करेले, कभी बेटू के लिए वड़ा बनाया, फिर पूड़ी बनाई, कचौड़ियाँ तो ये ऑलरेडी रखी हुई है खस्ता वाली, मूंगफली अलग पैक कर दी, अचार 2-3 तरीके का अलग अलग पैक किया था, कुछ तो मैंने आपको दिखाया है, कुछ सामान दिखाया भी नहीं है। इनफैक्ट इतना कुछ बनाती है इसलिए तो मेरे पास इतना लगेज हो जाता है, और मुझे वही लग रहा है मैं सब लेके कैसे जाऊँ। बट हमने सोचा कि चलो वहाँ पे कुली कर लेंगे वहाँ आगरा में, तो सामान पहुँच जाएगा आराम से। तो डैडी पैक कर रहे हैं और मम्मी भी और कुछ बना रही हैं। गाइस हमारे जाने का समय नज़दीक आ चुका है, 3-4 घंटे बाद हम चले जाएंगे। 3-4 घंटे तो नहीं, खैर अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 3, हम चले जाएंगे 3 घंटे बाद, 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो मैं आई हूँ यहाँ पे पत्ते तोड़ने तुलसी मैया के, क्योंकि हम लेके जाएंगे थोड़े रख के, अगर यहाँ कम पड़ेंगे तो अंकल के पास जाऊँगी, वहाँ से लेके आऊँगी, कम तो नहीं पड़ने चाहिए अभी तो और लगे हैं। गाइस आपको पता है ये पेड़ ना नया निकला है, ये वाला, ये मैं जब आई थी ना छोटा सा था, बड़ा हो गया है। यहाँ पे तुलसी मैया की कमी नहीं है, अब इसमें अगर दाने लगेंगे ना और एक भी टपक गया नया पौधा तैयार। ये तो मेरी काफ़ी दिन चलेगी, डेली मात्र 2-2 पत्ते डालूंगी चल मैं।
तो ये मेरी चल जाएगी कम से कम 25-30 दिन चला दूंगी। वैसे भी मैं गर्मी है, दिन में एक बार भी चाय मैंने पी उस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। मेरा मन ज़्यादातर ठंडा कुछ पीने का करता है, कोल्ड कॉफ़ी या फिर लस्सी इस तरह की चीज़। देखते हैं अब तो जाके पता चलेगा, अभी तो मुझे याद नहीं है कि वहाँ किस तरह की गर्मी झेलती हूँ मैं। मेरे दिमाग से निकल जाती है, यहाँ रहती हूँ एक महीना तो मेरा आदत चली जाती है, तो मेरे दिमाग में भी नहीं रहती कि वहाँ गर्मी मुझे कैसी लगती है। कड़ी पत्ता भी मैंने ले लिया है और तुलसी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। यहाँ गाइस और पेड़ लगे हुए हैं नए नए, इतनी बहुत यार, इतनी काफ़ी है, चलते हैं। तो गाइस अब जाना है थोड़ी देर में, तो लगेज सब बाहर रखा हुआ है यहाँ पे। मैंने उसके फ्रंट पॉकेट में अपने बैग के उसमें ही ना रख दिया था तुलसी पत्ता और बहुत सारे नींबू भी रखे हैं इसके अंदर। गाइज अब स्टेशन जाने का टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं। अभी जब हम निकलेंगे तभी पहुंच पाएंगे टाइम से, वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मेरी आंखें आप देख रहे हैं कैसी हो रही हैं, रात 3 बजे आँख खुल गई थी मेरी, फिर नींद ही नहीं आई। दिन में मैं जानबूझ के नहीं सोई, वरना 4-5 घंटे सो जाती। मूड अपसेट वैसे ही रहता है मेरा, कभी कभी मेरा मूड अपसेट हो ही जाता है किसी बात को लेके, आज भी हो ही गया है। तो नींद लग रही है कि क्या लग रहा है पता नहीं, आँख मेरी ऐसी हो रही है। चलते हैं, चौहान अंकल भी जाएंगे हमारे साथ स्टेशन, डैडी मम्मी चौहान अंकल छोड़ने जाएंगे। बब्बू फैन बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, नानू अभी बाहर गए ना कार में सामान रखने, सारा लगेज डैडी ने रख दिया है कार में। चलते हैं।